वार्निंग, जो भी आप अभी देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि कितनी बातें आपसे छुपी हुई हैं और शायद आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में सारी बातें थ्योरीज हैं और कोई भी बात फैक्ट नहीं है। इल्लूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी जिसके मेंबर्स का पता आज तक नहीं चल पाया। ह्यूमन सैक्रिफाइस की थ्योरी भी कहीं ना कहीं यहीं से ही आई है। यहाँ तक आप रोज जो काम कर रहे हो वो भी यही सोसाइटी डिसाइड करती है। सो आइए जानते हैं कि क्या है इल्लूमिनाटी का राज, द मैट्रिक्स ऑफ इल्लूमिनाटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट इज इल्लूमिनाटी, इल्लूमिनाटी क्या है। सो गाइस, इल्लूमिनाटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हिडन है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता, और वो पूरी दुनिया को रन कर रहा है। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में कब क्या करना है, कब किसको मारना है, मतलब पूरी दुनिया वो ही रन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब तक जो आपने जाना वो बस इल्लूमिनाटी की एक झलक थी, असली इन्फॉर्मेशन तो अब मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब थ्योरी कहती है कि जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स और आर्टिस्ट थे उनको इल्लूमिनाटी ने ही फेमस किया था। मतलब जो इल्लूमिनाटी है वो लोगों को इमेंस फेम देता है ह्यूमन सैक्रिफाइस के बदले। अब जिन लोगों को ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब कोई इंसान फेमस होने के लिए या किसी रिचुअल को पूरा करने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर या जो भी बंदा उसके बहुत करीब है उसकी बलि चढ़ाता है यानी कि उसे मारता है, तब उसके बदले में इल्लूमिनाटी उसे फेमस करता है यानी कि उसे फेम देता है, और इसी को कहते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस। आपने नोटिस किया होगा कि कई आर्टिस्ट थे जो 2-3 साल लगातार स्ट्रगल कर रहे थे और फिर वो अचानक गायब हुए, और जब वो वापस आए तो उनका अपीयरेंस एकदम चेंज हो चुका था और उनके गाने भी फटने लगे थे, जैसे कि जिम कैरी। थ्योरी ये भी कहती है कि जब ये लोग गायब हुए थे उसी टाइम पे उनके किसी फैमिली मेंबर की डेथ भी हुई थी और वो उस डेथ में भी थे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सैक्रिफाइस की थ्योरी भी यहीं से आई है। अब जो अगला क्वेश्चन निकल कर आता है वो है, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ इल्लूमिनाटी, ये इल्लूमिनाटी शुरू कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। गाइज, अब कई साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था एडम बिशॉप, उन्होंने ही इसी सोसाइटी को बनाया था। ये सोसाइटी बनी थी 1 मई 1776 को जर्मनी में। तो अब एडम ने 7 सबसे इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठा करा, एक ने मेडिसिन पे बुक लिखी थी तो एक ने ब्लैक मैजिक के ऊपर बुक लिखी थी, तो ऐसी 7 बुक्स थी। तो ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं की पीढ़ियाँ मतलब उनके बच्चे ही आगे जाकर इल्लूमिनाटी के मेंबर्स हों। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।